और जब मीराबाई आपको पदक मिला, देश के प्रधानमंत्री से लेके देश के छोटे से छोटे व्यक्ति तक सब लोग आपके प्रदर्शन पर गौरव कर रहे थे, ताली बजा रहे। और जब मैंने सुना कि आप ट्रेनिंग के लिए जाती थी, तब ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर जाती थी, तब मुझे लगा कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कितना करना अभी बाकी है। मगर फिर भी आपने बहुत संघर्ष किया, आपके कोच भी आए हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और आपको आगे पर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि चांदी से संतोष मत करिएगा, आप गोल्ड लेकर आइए, पूरा देश उसकी राह देख रहा है। मित्रों, बीपीआरएनडी एक ऐसा संस्थान है जिसने ढर्रे में नहीं फंसना चाहिए। बीपीआरएनडी ने चुनौतियों के हिसाब से अपने काम को बदलना चाहिए, क्योंकि बीपीआरएनडी का एक मुख्य काम है चुनौतियों को निपटने की पुलिस बल की तैयारी कराना। और चुनौतियां स्थायी नहीं होती है, देश के समक्ष चुनौतियां बदलती रहती है। शायद बीपीआरएनडी की स्थापना के वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौतियां होगी वो आज सबसे कम प्रायोरिटी वाली चुनौती होगी। निस्तनाबूद तो नहीं होती है, मगर सबसे कम। आज साइबर अटैक सबसे बड़ी चुनौती है, ड्रोन अटैक सबसे बड़ी चुनौती है, नारकोटिक्स का स्मगलिंग सबसे बड़ी चुनौती है, फेक करेंसी सबसे बड़ी चुनौती है, हवाला रैकेट सबसे बड़ी चुनौती है। ये सब के लिए बदलती चुनौतियों को नापकर इसकी तैयारी करना और विश्व भर में इस चुनौतियों को निपटने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इसका अध्ययन कर हमारे देश भर के पुलिस बल को तैयार करना, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई गीला शिकवा नहीं है, परंतु मैं कहना चाहता हूं इसको और पैना करने की जरूरत है, इसमें द्रुत गति लाने की जरूरत, स्पीड बढ़ाने की जरूरत। 2 साल पहले मैं बीपीआरएनडी में आया था, बेसिक पुलिसिंग, पुलिस रिफॉर्म और कई सारी चीजों पर मैंने बात करी थी। मुझे आनंद है कि मोडस ऑपरेंडी से लेकर कई सारी चीजों पर आपने इसको जमीन पर भी उतारा है और आगे भी ले जा रहे हैं, मगर अभी भी मेरा आग्रह है कि बीस सिस्टम को रिवाइव करे बगैर बेसिक पुलिसिंग अच्छा नहीं हो सकता। बीट सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, बीस सिस्टम को अपडेट करने के लिए, बीट सिस्टम का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करने के लिए बीपीआरएनडी ने और काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह विभाग, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में आमूल चूर परिवर्तन करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज कर रहा है। मुझे कहते हुए आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में बीपीआरएनडी ने भी इस पर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। ढेर सारे लोगों से चर्चा कर ब्यूरो ने 14 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 8 सीपीओएस, 6 सीएपीएफ और 7 गैर सरकारी संस्थानों से चर्चा कर बहुत अच्छा तीनों एक्ट के अंदर सुझाव, बदलाव के सुझाव भेजे हैं। इस पर काम चल रहा है, मगर मैं मानता हूं कि लास्ट टाइम मैं कहकर गया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको करा है और सीआरपीसी, आईपीसी को ठीक तरीके से एमेंड करने के लिए वो बहुत सहायभूत होगा। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब ABP News आपको रखे आगे।